नमस्कार। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत जिस प्लांट को आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है पाइनस। और पाइनस एक जीरोफिटिक ट्री होता है, जैसा आप यहाँ पर ये पिक में देख रहे हैं कि एक बड़ा सा ट्री है और ज़्यादातर इसमें ऐसी जगह पे उगता है, पहाड़ों पे उगता है जहाँ पे पानी रुकता नहीं है। अब पानी बरसता तो बहुत है लेकिन अवेलेबिलिटी पानी की नहीं रहती और वो पानी सारा बह के नीचे जो तराई होती है वहाँ पहुँच जाता है। तो बेसिकली जो प्लांट पहाड़ों पे उगते हैं वो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। अब पाइनस का जो ऑर्डर है वो कोनिफेरल्स है और उसका कारण ये है कि जो इसकी कैनोपी बनती है वो एक कोन लाइक होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोन लाइक कैनोपी होती है। तो कोन से इसका जो ऑर्डर है उसका नाम ले लिया गया कोनिफेरल्स। फैमिली इसकी पाइनेसी है, जीनस पाइनस है और ये पर्टिकुलर जीनस इंडिया में करीब 7 या 6 स्पीशीज़ इसकी मिल जाती हैं। तो कुछ रेयर हैं लेकिन कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली मिल पाती हैं, जैसे पाइनस जिराडियाना है, पाइनस वेलिचियाना है, पाइनस मोनोफिला है, पाइनस एक्साफिला है, पाइनस पेंटाफिला है। तो ये बहुत सी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया में और इसके अलावा और भी जो दुनिया में पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर ग्रो करती है। तो बेसिकली प्लांट अगर कहें तो हिली रीजन को बिलोंग करता है, लेकिन मैदानों पर भी ये प्लांट उग जाता है, ख़ासकर उन जगहों पर जहाँ पर मौसम अच्छा रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप इसका ये हैबिट देख रहे हैं। तो शुरू में मैंने बताया कि ट्री होता है जीरोफिटिक नेचर का होता है और ये इसका हैबिट है जो कि कोनिकल बनता है, एक बड़ा ट्री होता है। और इसमें ब्रांचिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रोबस्टली ब्रांच होता है, खूब घनघोर ब्रांचिंग होती है और पुरानी ब्रांचेस नीचे से बढ़ती चली जाती हैं, नई ब्रांचेस यहाँ पर आती जाती हैं, इसी वजह से इसका जो शेप है वो कोन लाइक हो जाता है। रूट और स्टेम की हम बात करते हैं तो हम पाएंगे कि रूट जो होती हैं काफ़ी ब्रांच्ड होती हैं, बहुत मोटी मोटी होती हैं, थिक रूट्स होती हैं सब, लेकिन होती एडवेंटिशियस हैं। तो शुरू में तो इसमें जो रूट है वो एडवेंटिशियस नहीं होती, वो टैप रूट इस तरह से एक बनेगी और उसके बाद फिर इसमें से और रूट्स निकलती रहती हैं और फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है। तो इसको कहते हैं कि ये एफेमेरल होती है और ये बाकी जो रूट्स हैं वो इसका सारा काम आगे संभाल लेती हैं। तो ये जितनी रूट्स आप देख रहे हैं ये सब जो हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, जो इस प्लांट को इतनी ऊंचाई तक ले जाने में मदद भी कर रही हैं और उसका बेस संभाले हुए हैं। स्टेम आप यहाँ पर देखिए, स्टेम का डायमीटर अच्छा अच्छा होता है और काफ़ी गोल होता है, कोई एंगुलर नहीं होता और इसी वजह से जो लकड़ी है वो फर्नीचर बोर्ड के ना तौर पे भी जानी जाती है। और जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें पाइनस जो कोनीफेरल्स ऑर्डर को बिलोंग करता है इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है फर्नीचर को बनाने में। अब बात कर लेते हैं ब्रांचिंग की, और ब्रांचिंग में भी जो इसमें शूट्स हैं वो एक लॉन्ग शूट होती है, एक डॉर्फ शूट होती है। तो ब्रांचिंग बहुत रोबस्ट होती है, शुरू में भी आपने फिगर्स देखे थे, जो पिक्स देखी थी उसमें आपको ब्रांचिंग रोबस्टली दिख रही थी, यहाँ पर भी बहुत रोबस्ट ब्रांचिंग होती है और बहुत घनघोर प्लांट ये उगते हैं। ऐसा नहीं होता कि ब्रांचिंग कम हो और बिल्कुल जैसे ताड़ होता है कि ऊपर की टॉप है उसके वहीं पर ही आपको लीफ दिख रही है, यहाँ जहाँ से प्लांट शुरू होता है नीचे से ऊपर तक ब्रांचिंग होती जाती है और उसमें लॉन्ग शूट और डार्क शूट निकलती चली जाती है और उसमें फिर नीडल्स बनती है। तो अगर हम बात करें लॉन्ग शूट और डार्क शूट की, तो लॉन्ग शूट वो वाली शूट होती है जो यहाँ से जुड़ी होगी इस पर्टिकुलर पोर्शन से। ये तो एक मेन स्टेम की ब्रांच हो गई और इससे निकलने वाली जो शूट है उसे हम कहते हैं लॉन्ग शूट, और ये लॉन्ग शूट जो निकल रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो ये पोर्शन जो है ये लॉन्ग शूट का है और उसके बाद इसमें फर्दर ब्रांचिंग होती है और छोटी छोटी शूट्स निकलती हैं जिनको हम कहते हैं ड्वार्फ शूट। तो ये बहुत सी होती हैं, एक चक्र में निकलती हैं, इसके चारों तरफ निकलती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, और फिर इनसे ड्वार्फ शूट से जो है वो इस पर एक बनता है जिसमें के जो निडल्स हैं वो होती हैं। निडल की संख्या सिंगल भी हो सकती है और बहुत भी हो सकती है, यहाँ पर 4-5 आपको एक जगह से निकलती हुई निडल्स दिखाई दे रही हैं। ये निडल्स जो होती हैं एक मॉडिफिकेशन कह सकते हैं कि ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है जो लीफ फॉर्म में ग्रीन हो जाता है और इसको क्लैडोट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लीफ की टर्मिनोलॉजी नहीं लाते, यहाँ पर निडल कहते हैं और निडल जो है वो एक रूपांतरित फॉर्म है जिसे हम टेक्निकली क्लैडोट कह सकते हैं। तो यहाँ आपने ये सब चीज़ें देख ली, ये मेन ब्रांच देख ली जो स्टेम की है और स्टेम से निकलती हुई ये छोटी ब्रांच होती जो कि अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है, इसको लॉन्ग शूट कहते हैं, और इसमें से निकलते हुए छोटे छोटे होते हैं इनको कहते हैं ड्वार्फ शूट, और इसमें से ये थिक स्टेम जो निकलते हैं ग्रीन हो जाते हैं इनको कहते हैं निडल। अब यहाँ पर ये निडल का सेक्शन प्रैक्टिकल में करने को मिलता है, तो आपको
इसी का कुछ पोर्शन आपको सीट वर्क पे दे दिया जाता है, उसकी आप टीएस करेंगे। टीएस करने के बाद इस तरह से एक ट्रायंगुलर आउटलाइन वाला सेक्शन आपको दिखाई पड़ता है, डबल स्टेनिंग करने के बाद लगभग ऐसे ही आपको भी नज़र आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एपिडर्मिस है, उसके बाद संकन स्टोमेटा है, यहाँ पर ये एक यहाँ है, यहाँ पर भी दिख रहा है, बीच में ये रेजिन डक्ट्स हैं, कैनाल्स हैं वो दिखती हैं, ये वैस्कुलर सप्लाई यहाँ पर हमें दिख रही है। तो ये तो पूरा पार्ट कॉर्टेक्स का हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गई, और एंडोडर्मिस के बाद फिर हमें ये वैस्कुलर बंडल जो दिखते हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। और उसके बाद इसमें फर्टाइल स्ट्रक्चर्स की बात होती है, तो फर्टाइल स्ट्रक्चर्स में हम देखें तो मेल कोन आएगा, मेल कोन कुछ इस तरह का होता है, जो ये निडल्स निकल रही होती हैं, इन्हीं का जो टॉप मोस्ट स्टेम है वो फिर ड्वार्फ शूट और लॉन्ग शूट ना बना के सीधा कन्वर्ट हो जाता है इसका एपेक्स, जो कि मेल कोन बनाता है। अब इस मेल कोन में बहुत से अपेंडेजेस होते हैं जिनके अंदर पोलेंस होते हैं, और ये शुरू में बहुत कॉम्पैक्ट होता है, बाद में ये थोड़ा लूज़ हो जाता है, और लूज़ होने के बाद यहाँ से जो पोलेंस हैं वो हवा के ज़रिए निकल के जाते हैं, और फीमेल कोन में जो उनका गायनोशियम वाला पार्ट है, या हम ये कहेंगे जो फीमेल पार्ट है, उसको फर्टिलाइज करते हैं ताकि सीड का फॉर्मेशन हो सके। फीमेल कोन को देखें तो फीमेल कोन बड़े होते हैं मेल कोन की तुलना में, और ये बड़े अच्छे से आपको किसी भी पहाड़ी इलाके में नज़र आ जाएंगे। आप पहाड़ी इलाके में जब घूमने कहीं जाते हैं तो जो ट्राइबल्स होते हैं वो इनको अलग अलग कलर में कलर करके, क्योंकि ये वुडी नेचर के होते हैं, तो कलर करके वो आपको ऑर्नामेंटल के तौर पर, एक शो पीस के तौर पर बेचते हैं, और बहुत लोग इसको खरीदते हैं, घरों में सजाते हैं। तो कभी भी आप जाएँ तो देखेंगे वो लोग पाइनस के कोन को बहुत वाइब्रेंट कलर में कलर करके बेचते हुए दिख जाएंगे, तो उनसे भी आप लेकर इसको स्टडी कर सकते हैं। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि कलर होने के बाद उसका जो करेक्टर है वो बदल जाएगा, जो उसके करेक्टर हैं वो वही रहते हैं, बस उनका रंग वो बदल देते हैं। अगर हम इनकी जो एलएस करते हैं तो वो हम पाएंगे कि भाई एलएस हमने यहाँ कर ली, तो एलएस में आपको यहाँ पर ये ब्रैक्ट दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ओव्यूल्स हैं वो दिखते हैं, जहाँ पर एक्सेल होगी जिसका फर्टिलाइजेशन होना होता है। तो पोलिनेशन होता है, यहाँ पे पोलन आके सेटल होते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर ये जो कोन है ये फर्टाइल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन बाद में हो जाता है। और वो सीड कुछ इस तरह के होते हैं जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सीड विंग्ड सीड होते हैं, ये पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का ये विंग है, और ये वाला पार्ट सीड का है। इसमें विंग्ड सीड पाए जाते हैं, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है वाइवा में और अलग अलग कॉम्पिटिशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।